तो आज हम देखेंगे ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5, नेचुरल वेजिटेशन वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। उसमें हम देखेंगे ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ब्राजील वेजिटेशन के बारे में। इन ब्राजील रेनफॉल वेरीज ड्यू टू फिजियोग्राफी। हमने इसके पहला चैप्टर नंबर 3 में देखा था, फिजियोग्राफी पढ़ी थी। तो जो इक्वेटर है ब्राजील के नॉर्दर्न साइड से पास होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ब्राजील के सदर्न पार्ट से पास होता है। और ब्राजील का जो एक्सटेंट है, एरिया है, ये बहुत बड़ा है और अलग अलग रीजन में इसके लिए रेनफॉल भी क्या होता है, अलग अलग रेनफॉल होती है अलग अलग जगह में। इक्वेटर में ज्यादा रेनफॉल होती है और सदर्न पार्ट में आहिस्ते आहिस्ते रेनफॉल कम होती जाती है। इन मोस्ट पार्ट ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर। तो ब्राजील में इक्वेटोरियल जो रीजन है वहाँ पूरे साल भर बारिश होती है। एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर द नंबर ऑफ रेनी डेज एज वेल एज अमाउंट ऑफ रेनफॉल रेड्यूसेस। और जब हम इक्वेटर से नीचे आते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन सदर्न पार्ट में जाते हैं ब्राजील में, तो बारिश क्या होती जाती है, कम होती जाती है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रेड्यूसेस। दिस अफेक्ट्स द लाइफ साइकिल ऑफ द वेजिटेशन टू। और ये जो बारिश ये किसके ऊपर असर डालती है, उधर की जो वेजिटेशन है, क्योंकि वेजिटेशन है पानी पे डिपेंड होती है, ज्यादातर पानी पे डिपेंड होती है, इसलिए उसका जो लाइफ साइकिल है वेजिटेशन का, वो भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन द एरिया वेर इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर। तो जिधर जैसा ब्राजील में इक्वेटोरियल रीजन में पूरे साल भर बारिश होती है, तो इधर कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखे जाते हैं, एवरग्रीन। एवरग्रीन मतलब उधर के जो पेड़ है हमेशा हरे भरे रहते हैं, पतझड़ वगैरह उसका सीजन नहीं आता तो पत्ते वगैरह नहीं गिरते, हमेशा एवरग्रीन होते हैं। किधर, इक्वेटोरियल रीजन में जिधर बारिश हमेशा होती है। इन रीजन्स विच रिसीव रेनफॉल ओनली ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स द डेंसिटी ऑफ द वेजिटेशन डिक्रीजेस। और ऐसे रीजन में जहाँ रेनफॉल क्या होती है, कम होती है या फिर कुछ सीजन में गिरती है, उधर क्या होती है, द डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन क्या होती है, रेड्यूसेस। मतलब जंगल जो घना वगैरह होता है कम घना होता है। इंस्टेड ऑफ फॉरेस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रासेस शॉर्ट श्रब्स थॉर्नी वेजिटेशन एक्सेट्रा आर फाउंड। तो इधर जंगल के बजाय हमको अलग अलग टाइप के ग्रासेस दिखाई देते हैं जिधर बारिश कम होती है या कुछ सीजन में बारिश गिरते हैं। शॉर्ट श्रब्स दिखाई देते हैं, थॉर्नी वेजिटेशन जो कांटे वगैरह के जो ये होते हैं झाड़ वगैरह, कैक्टस वगैरह होगा, फिर अलग अलग टाइप के पेड़ होंगे जिसके पत्ते छोटे छोटे कांटे कांटेदार झाड़ होते हैं, वो दिखाई देंगे। थॉर्नी वेजिटेशन एक्सेट्रा आर फाउंड जिधर बारिश कम होती है। ब्राजील हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेशन स्पीसीज इन द वर्ल्ड। ब्राजील के अंदर जो अलग अलग प्रकार के जो जाति है पेड़ों की, जाति अलग अलग प्रकार के, विविध प्रकार के झाड़ियां ब्राजील में पाई जाती है। अगर वर्ल्ड से हम कंपेयर करेंगे तो ब्राजील में अलग अलग टाइप के नंबर ऑफ वेजिटेशन स्पीसीज आर फाउंड इन द वर्ल्ड, ब्राजील में ज्यादा पाए जाते हैं। दिस इंक्लूड्स एवरग्रीन वेजिटेशन। हमने देखा एवरग्रीन मतलब क्या है, जिसमें पतझड़ नहीं होता, पत्ते वगैरह नहीं झड़ते, हमेशा हरे भरे होते हैं, वो वेजिटेशन है। सेमी एवरग्रीन मतलब कभी ग्रीन होते हैं और कभी पत्ते झड़ते भी है, उसे कहते हैं सेमी एवरग्रीन। एरिड, एरिड मतलब जिधर बारिश वगैरह नहीं होता, सूखा पड़ता है, जिधर पानी बारिश कम होता है, उसको कहते हैं एरिड एक्सेट्रा। वन फाइंड्स ट्रीज लाइक पाओ ब्राजील रबर महोगनी रोजवुड एंड अ वेराइटी ऑफ ऑर्चिड्स। तो हम ब्राजील में देखेंगे तो अलग अलग टाइप के वहाँ पेड़ पाए जाते हैं, जैसे पाओ ब्राजील है, रबर का पेड़ है, महोगनी है, रोजवुड है और अलग अलग टाइप के एंड वेराइटी ऑफ ऑर्चिड्स। इसके दो हम इमेजेस देखेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में भी पाओ ब्राजील का एक पेड़ का इमेज दिया है और पाओ ब्राजील के जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, ऐसे होते हैं कांटेदार पाओ ब्राजील का। और हम देखेंगे ऑर्चिड्स का मतलब क्या होता है। ऑर्चिड का मतलब होता है अ प्लांट विद ब्यूटीफुली कलर्ड फ्लावर्स दैट हैव एन अनयूजुअल शेप। तो ऐसा पेड़ जिसमें ना रंग बिरंगे कलर के फूल होते हैं और उनका शेप क्या होता है, अनयूजुअल मतलब अलग अलग शेप के होते हैं, इसको कहते हैं ऑर्चिड। तो ये भी पाया जाता है ऑर्चिड, अलग अलग छोटे छोटे फूल वगैरह होते हैं, ऐसे टाइप के भी पेड़ ब्राजील में पाए जाते हैं। बिकॉज ऑफ द एवरग्रीन रेनफॉरेस्ट इन ब्राजील देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिलीज्ड इन द एनवायरमेंट। तो ब्राजील में एवरग्रीन फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट है, इसके लिए जो ऑक्सीजन रिलीज होता है, पेड़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज हो जाते हैं किधर, ब्राजील में। इसके लिए उधर का हवामान क्या है, क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है। दिस हेल्प्स टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। और ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को कम करने में मदद करते हैं।
Therefore, these rainforests are rightly called the lungs of the world. तो इन जो रेन फॉरेस्ट को इनको क्या कहा जाता है, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, इनको ये नाम दिया गया है. दिस रेन फॉरेस्ट आर राइटली कॉल्ड द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड. अभी देखेंगे इंडिया वेजिटेशन के बारे में. फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया. अलग अलग टाइप के जो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इंडिया में पाए जाते हैं. सबसे पहले देखेंगे रेनफॉल अबाउट 2000 मिलीमीटर. अगर बारिश, अभी इंडिया में भी अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रमाण में बारिश होती है, तो जिधर बारिश 2000 मिलीमीटर के ऊपर होती है उधर कैसे पेड़ पाए जाते हैं, कैसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो हम देखेंगे. इन रीजन्स विच रिसीव मोर देन 2000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल ऑन एन एवरेज अलॉन्ग विद एबंडेंट सनलाइट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड. तो इंडिया में भी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. कहाँ पे, जहाँ बारिश 2000 मिलीमीटर से ज्यादा है ऑन एन एवरेज, और जिधर सूरज की किरणें पड़ती है विद अबेंडेंट सनलाइट, और सूरज की रोशनी भी जरूरत जरूरी है पेड़ों के लिए, क्योंकि वो जो खाना बनाते हैं कैसे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं, तो उनको सूरज की किरणें जरूरी है. तो एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ 2000 मिलीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो और सूरज की किरणों की मात्रा भी बराबर हो. द लीव्स ऑफ द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट आर ब्रॉड एंड ग्रीन. तो जो पत्ते हैं इन पेड़ों के पत्ते कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं, मतलब चौड़े होते हैं और हरे भरे होते हैं, ग्रीन होते हैं. द ट्रीज हैव हार्ड वुड. तो ये जो ट्रीज है इनकी जो लकड़ियां होती है, जो बार्क होते हैं, ये हार्ड वुड होते हैं, बहुत सख्त होते हैं, हैवी होते हैं, वजनदार होते हैं. एंड ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब क्या, टिकते हैं. एग्जाम्पल महोगनी, रोज वुड, रबर एक्सेट्रा. अभी ये महोगनी वगैरह जो है इससे क्या करते हैं, फर्नीचर वगैरह भी बनाते हैं, क्योंकि ये हार्ड होते हैं, वजनदार भी होते हैं और ये ड्यूरेबल होते हैं. ड्यूरेबल मतलब टिकते हैं. ऑल्सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्रीपर्स फाउंड हियर. क्रीपर मतलब क्या, जो बेल वगैरह होते हैं ना, जो चढ़ते हैं पेड़ों पे चढ़ते हैं, उनको कहते हैं क्रीपर्स. जो रेंगती है उनको कहते हैं क्रीपर्स. तो यहाँ क्रीपर्स भी पाए जाते हैं. हाइएस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट. तो इन जंगलों में बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, अलग अलग प्रकार के पेड़ वगैरह इधर पाए जाते हैं इस जंगल में. अब देखेंगे रेनफॉल बिटवीन 1000 टू 2000 मिलीमीटर. जहां बारिश 1000 से लेकर 2000 मिलीमीटर तक होती है, वहां किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं, हम देखेंगे. इन रीजन्स रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 1000 मिलीमीटर टू 2000 मिलीमीटर इन इंडिया डेसिडस फॉरेस्ट आर फाउंड. तो जिधर बारिश 1000 मिलीमीटर से लेकर 2000 मिलीमीटर तक होती है, उधर कौन से टाइप के पेड़ पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं, डेसीडस फॉरेस्ट. हम देखेंगे डेसीडस फॉरेस्ट किसको कहते हैं. इन ड्राई सीजन ट्रीज शेड देयर लीव्स. तो जब सूखा होता है, जब बारिश नहीं होती है, तो पेड़ क्या करते हैं, अपने पत्तों को झाड़ा देते हैं, पतझड़, इसको कहते हैं पतझड़. तो ड्राई सूखे सीजन में पेड़ क्या करते हैं, अपने पत्तों को झड़ा देते हैं. क्यों, सो दैट वाटर इज नॉट लॉस्ट. अगर पत्ते होंगे तो पानी की जरूरत ज्यादा होगी, तो तभी तो बारिश, सूखा सीजन होता है, बारिश वगैरह नहीं होती, इसके लिए पेड़ क्या करते हैं, अपने पत्तों को झड़ा देते हैं. सो दैट वाटर इज नॉट लॉस्ट ड्यू टू इवेपोरेशन. इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, पानी क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है, तो पानी की मात्रा ज्यादा लगती है, इसलिए पेड़ क्या करते हैं, समझदारी से अपने पत्तों को झड़ा देती है. कुदरत ने, नेचर ने उनको ऐसा बनाया है. फॉर एग्जाम्पल टीक टीक ट्री है, बैम्बू ट्री है, बैनियन ट्री है, पीपल ट्री है, एक्सेट्रा आर द ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. अगर हम देखेंगे बैनियन ट्री हमारे यहाँ भी पाए जाते हैं, पीपल ट्री. ये क्या करते हैं, समर सीजन में, धूप के सीजन में, जब बारिश वगैरह नहीं होती है, तो ये पत्तों को झड़ा देती है. नीम ट्री भी है, तो ये पत्तों को झड़ा देती है, इसको कहते हैं, इसको डेसिडस फॉरेस्ट में गिने जाते हैं, और उसको पतझड़ का सीजन कहते भी है. अब देखेंगे रेनफॉल लेस देन 500 मिलीमीटर. जहां बारिश 500 मिलीमीटर से कम होती है, वहां कैसे टाइप के जंगल पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं, हम देखेंगे. रीजन्स दैट रिसीव लेस देन 500 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल. जहाँ 500 मिलीमीटर से रेनफॉल कम होता है, उधर क्या होता है, एन एक्सपीरियंस ड्राई समर. और उधर क्या होता है, सूखा, सूखा ज्यादा पड़ता है, गर्मी, सूखा समर फॉर अ लॉन्ग पीरियड, वो ज्यादा दिनों तक होता है. इन इंडिया थॉर्नी एंड श्रब टाइप वेजिटेशन इज फाउंड. तो इधर कैसे टाइप के पेड़ पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं, थॉर्नी. थॉर्नी मतलब कांटेदार, उनके पत्ते छोटे छोटे होते हैं और उनमें कांटे होते हैं, क्योंकि पत्ते अगर छोटे होने से पानी कम लगता है. एंड श्रब टाइप, श्रब का मतलब झाड़ झुड़ बोलते हैं ना हमारे, झाड़ झुड़ वो श्रब टाइप वेजिटेशन इज फाउंड.
द लीव्स आर स्मॉल इन साइज, तो इनके जो पत्ते होते हैं ये बारीक होते हैं, स्मॉल इन साइज, क्योंकि पानी कम होता है तो पत्ते छोटे होंगे तो पानी भी कम लगेगा। एग्जाम्पल कैश्यू, कैश्यू का मतलब क्या होता है, जो कत्ता होता है ना पान में डाल के खाते हैं उसको कहते हैं कैश्यू। एकाकाई ट्री एक टाइप है, खेजरी ट्री आपको ये दिया है, खेजरी ट्री हमने इसमें आपको प्रोजेक्टर स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, आपके टेक्स्ट बुक में भी एक खेजरी ट्री का एक इमेज दिया है। एंड वेराइटीज ऑफ कैक्टस, और अलग अलग प्रकार के कैक्टस है, लाइक एलोवेरा है एंड अगावे, अगावे भी हमने देखा है, ये आप इमेज देख सकते हो खेजरी ट्री का, आपके टेक्स्ट बुक में भी है, ये खेजरी ट्री है कांटे के जड़ जैसा, बबूल के जड़ जैसा, और ये अगावे इसको कहते हैं, ये शो के लिए गार्डन में भी लगाया जाता है, घर में भी लगाए जाते हैं। अब देखेंगे कोस्टल टाइप ऑफ वेजिटेशन। इन स्वैम्पी एरियाज, एस्टुरीज एंड लगून्स, तो स्वैम्पी एरियाज किसको कहते हैं, जहाँ पानी जमा हुआ होता है, कीचड़ वगैरह जमा होता है, दलदल। इन स्वैम्पी एरियाज एस्टुरीज एंड लगून्स, लगून्स मतलब हमने ये देखा था, लगून किसको कहते हैं कि बीच में आइलैंड जैसे और आजू बाजू खारा पानी जमा हुआ है, सराउंडेड बाय सॉल्ट वाटर, सेलाइन वाटर। नियर कोस्टल एरियाज हैविंग सेलाइन सॉइल, सेलाइन सॉइल का मतलब क्या, जिधर की मिट्टी में खारापन ज्यादा होता है, सेलाइन सॉइल। एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, और क्लाइमेट क्या होता है, मॉइस्ट मतलब क्या होता है, कच्चा होता है, भीगा हुआ दलदल वगैरह होता है। कोस्टल टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड, तो इधर जगह में कौन सा टाइप ऑफ वेजिटेशन पाया जाता है, कोस्टल टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड। दे आर कॉल्ड मैनग्रोव्स और सुंदरबंस इन इंडिया, तो इंडिया में इनको क्या बुलाया जाता है, मैनग्रोव्स और सुंदरबन। द वुड ऑफ दिस ट्रीज इज ऑयली लाइट एंड ड्यूरेबल, तो जो इनकी लकड़ियां होती है, ये पेड़ों की जो लकड़ियां होती है ये क्या होती है, ऑयली होती है, इनमें तेल होता है, और लाइट, लाइट मतलब हल्का होता है, एंड ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब ज्यादा टिकती है। तो हम इमेज देख सकते हो मैनग्रोव्स का, इनको कहते हैं मैनग्रोव्स, ये मैनग्रोव ट्री है, सुंदरबन में ये ज्यादा पाए जाते हैं। ये देखो स्वैम्पी एरिया है, मार्शी एरिया है, पानी वगैरह भरा हुआ है। अभी देखेंगे वेजिटेशन इन इंडियन हिमालयस, तो हिमालयस में कौन से प्रकार के वेजिटेशन होते हैं ये हम देखेंगे। इन इंडियन हिमालयस, तो इंडियन हिमालयस में थ्री टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड, तो इंडियन हिमालयस में तीन टाइप के जंगल पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट, हाइट पे डिपेंड होता है, तो हाइट के हिसाब से तीन टाइप ऑफ जंगल पाए जाते हैं। पहला देखेंगे हाइएस्ट एल्टीट्यूड, तो सबसे ज्यादा ऊंचाई पे कौन से टाइप के ट्रीज पाए जाते हैं। इन एरियाज लोकेटेड एट द हाइएस्ट एल्टीट्यूड सीजनली फ्लावरिंग ट्रीज आर फाउंड, तो जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड है हिमालय में, ज्यादा ऊंचाई पे जो जंगल पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं, उधर सीजनली फ्लावरिंग ट्रीज आर फाउंड, मतलब सीजन में ही फूल खिलते हैं, हमेशा फूल खिलते नहीं, वैसे टाइप के ट्रीज पेड़ पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है मीडियम एल्टीट्यूड, तो जिधर पहाड़ों की ऊंचाई मीडियम दर्जे की होती है, उधर इन रीजन विद मीडियम एल्टीट्यूड कॉनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार, फर फिर आर फाउंड। तो जिधर मीडियम एल्टीट्यूड होता है उधर कॉनिफरस ट्रीज, कॉनिफरस ट्रीज किसको कहते हैं, जिनके पत्ते क्या होते हैं, शार्प शार्प होते हैं, नीडल टाइप होते हैं, उनको कहते हैं कॉनिफरस ट्रीज। लाइक पाइन ट्री है, पाइन से फेनॉल भी बनाते हैं, पाइन ट्री उसका ऑयल लेकर, डिओडर ट्री है, फिर एक्सेट्रा आर फाउंड। थर्ड देखेंगे एट फुट हिल्स, फुट हिल्स मतलब जहां से पहाड़ शुरू होते हैं उनको कहते हैं फुट हिल्स। तो पहले हमने देखा हाईएस्ट एल्टीट्यूड, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर कौन से टाइप के पेड़ पाए जाते हैं, फ्लावरिंग ट्रीज पाए जाते हैं। मीडियम एल्टीट्यूड में कॉनिफरस ट्रीज पाए जाते हैं लाइक पाइन, डिओदर, फिर और एट फुट हिल, फुट हिल मतलब जो पहाड़ के पैरों पास, पायते पास, ये तो जहां से पहाड़ शुरू होते हैं। एट फुट हिल्स मिक्स्ड फॉरेस्ट आर फाउंड, तो अलग अलग मिक्स्ड टाइप ऑफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं इधर एट फुट हिल्स। दिस इंक्लूड्स बोथ कॉनिफरस एंड डेसीडस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, तो कॉनिफरस पेड़ भी पाए जाते हैं और डेसीडस, डेसीडस मतलब क्या होता है, जब पानी कम होता है, गर्मी होती है, ड्राई सीजन होता है, तो ये पेड़ अपने पत्तों को झड़ा देते हैं, इनको कहते हैं डेसीडस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। हियर द प्रोपोर्शन ऑफ सैल ट्रीज इज हायर, तो जो सैल ट्रीज है, ये किस्म का पेड़ है, ये ज्यादा पाए जाते हैं किधर, एट फुट हिल्स इन हिमालय, इंडियन हिमालय। अब देखेंगे हम आएंगे वाइल्ड लाइफ की तरफ, सबसे पहले देखेंगे ब्राजील वाइल्ड लाइफ। अ ग्रेटर डाइवर्सिटी इन वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन ब्राजील देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, तो देखो पहली बात तो ब्राजील में अलग अलग टाइप के जंगल है, क्यों, क्लाइमेट अलग अलग होता है, इक्वेटर भी पास होता है नॉर्दर्न साइड में, सदर्न में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास होता है, तो ग्रेटर डाइवर्सिटी क्लाइमेट में भी है, नेचुरल वेजिटेशन में भी है, इसीलिए जानवर किस पर डिपेंड होते हैं, क्लाइमेट पे डिपेंड होते हैं और वेजिटेशन पर भी डिपेंड होते हैं, इसलिए भी इधर
जो वाइल्ड लाइफ में भी ग्रेटर डाइवर्सिटी पाई जाती है ब्राजील में, और अगर दूसरे कंट्री से कंपेयर करेंगे तो ग्रेटर डाइवर्सिटी ब्राजील में पाई जाती है। इन द स्वैम्पी एरियाज ऑफ द पैंटेनल ह्यूज एनाकोंडास आर फाउंड। स्वैम्पी एरियाज मतलब क्या है, जिधर दलदल होता है, पानी वगैरह कीचड़ होता है। इन द स्वैम्पी एरियाज ऑफ पैंटेनल ह्यूज एनाकोंडास आर फाउंड, तो इधर बड़े बड़े एनाकोंडास पाए जाते हैं, एक टाइप का अजगर है, अजगर की जात है एनाकोंडास, ये पाए जाते हैं पैंटेनल में। इन ब्राजील गुआनापिक्स क्रोकोडाइल्स एलिगेटर मंकीज प्यूमास लेपर्ड्स एक्सेट्रा आर फाउंड। तो ब्राजील में गुआनापिक्स भी पाए जाते हैं, मगर क्रोकोडाइल एलिगेटर्स मगरमच्छ की प्रजाति है, अलग अलग मंकीज बंदर प्यूमास लेपर्ड्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो फाउंड, ये भी पाए जाते हैं। अमंग द फिश वेराइटीज मेनली स्वॉर्ड फिश आर फाउंड इन द सीज व्हाइल पिंक डॉल्फिन एंड पिरानास आर फाउंड इन द रिवर। तो अगर फिश वेराइटी में देखेंगे तो स्वॉर्ड फिश पाए जाते हैं किसमें, समंदर में। स्वॉर्ड फिश क्या होती है, मछली जिसमें उसका जो मुंह होता है सामने बहुत लंबा होता है उसको कहते हैं स्वॉर्ड फिश, और इन द सीज, और ये सीज में पाए जाते हैं। वाइल्ड पिंक डॉल्फिन, और पिंक कलर के डॉल्फिन और पिरानास, पिरानास ये मछली कहाँ पाई जाती है, नदियों में पाई जाती है ब्राजील में। कॉन्डर्स विच आर ह्यूज इन साइज एंड फ्लाई हाई इन द स्काई, वेरियस टाइप्स ऑफ पैरेट मैकाउज एंड फ्लेमिंगोज आर द मेजर बर्ड्स फाउंड हियर। अगर परिंदों में देखेंगे, कॉन्डर्स एक टाइप का परिंदा है, ये पाए जाते हैं, ये बहुत ऊंचाई पे उड़ते हैं, इसका इमेज हम देखेंगे आगे। और वेरियस टाइप्स ऑफ पैरेट तोते वगैरह पाए जाते हैं, मैकाउस, मैकाउस भी तोते जैसा होता है दिखने में। फ्लेमिंगोज आर द मेजर बर्ड्स फाउंड हियर, ये हम इमेज में देखेंगे, ये कॉन्डर, कॉन्डर्स का ईगल के जैसा एक इमेज है इसका, कॉन्डर्स इसको कहते हैं कॉन्डर्स। ये है मैकाउस, ये मैकाउस भी उधर पाए जाते हैं, रंग बिरंगी तोते वगैरह उधर पाए जाते हैं। और ये फ्लेमिंगोज, फ्लेमिंगोज भी पाए जाते हैं ब्राजील, ये बर्ड्स में उधर पाए जाते हैं। मिलियंस ऑफ इंसेक्ट्स वेराइटीज आर ऑल्सो फाउंड हियर, तो अलग अलग प्रकार की प्रजाति कीड़ियों, कीड़ों की अलग अलग प्रकार की प्रजाति भी ब्राजील में पाई जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वेराइटीज द वाइल्ड लाइफ ऑफ ब्राजील इज वेरी रिच एंड डाइवर्स। तो इसके वजह से जो वाइल्ड लाइफ है ब्राजील का, ये बहुत रिच है, रिच मतलब बहुत अलग प्रकार के जीव जंतु जानवर परिंदे इधर पाए जाते हैं, और डाइवर्स, डाइवर्स मतलब भिन्न भिन्न जात के, अलग अलग प्रकार के जात के पाए जाते हैं ब्राजील में। डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट इज हैपनिंग ड्यू टू इनलीगल स्मगलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो देखो डिग्रेडेशन का मतलब क्या है कि कमी पाई जा रही है, डिग्रेडेशन मतलब जो एनवायरनमेंट का ग्रेड ऊपर था वो उसका स्तर आहिस्ते आहिस्ते क्या हो रहा है, स्तर नीचे गिरते जा रहा है। क्यों, ड्यू टू इनलीगल स्मगलिंग। इनलीगल स्मगलिंग क्या होते हैं, जानवरों को मारते हैं, बहुत सारे लोग मार के उनकी स्मगलिंग करते हैं, टॉर्टोइस क्रोकोडाइल को मारते हैं उनके चमड़े के लिए। तो इनलीगल स्मगलिंग की वजह से जो स्तर है एनवायरमेंट का नीचे गिरता जा रहा है। वाइल्ड एनिमल्स, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, रोका, डिफोरेस्टेशन, पॉल्यूशन एक्सेट्रा। तो इसमें क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर की वजह से जलाया जा रहा है, पेड़ों को जलाया जाता है, काटा जाता है, डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटा जाता है इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन नहीं तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से शहर बसते हैं, शहर बसने की वजह से पेड़ों को काटा जाता है। फिर पोल्यूशन है, पोल्यूशन की वजह से भी ये क्या करता है, नेचुरल वेजिटेशन को क्या करता है, इफेक्ट करता है, नेचुरल वेजिटेशन को इफेक्ट भी करता है, और उधर के जो एनिमल्स रहते हैं उनको पर, उनके भी वाइल्ड लाइफ पर क्या करता है, ये इफेक्ट करता है। ब्राजील इज फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स टूडे, तो ब्राजील ये प्रॉब्लम्स क्या कर रहा है फेस, आज के जमाने में ये क्या कर रहा है, ब्राजील फेस कर रहा है। मेनी एंडेमिक स्पीसीज आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ दिस इश्यूज। तो बहुत सारे जो जानवर है ये एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त तो होना, विलुप्त हो रहे हैं इन प्रॉब्लम की वजह से, स्मगलिंग की वजह से, डिफोरेस्टेशन की वजह से, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहे हैं, बहुत सारे जो जीव जंतु है नेचुरल वेजिटेशन ये क्या हो रहे हैं, विलुप्त होने के कगार पर है ब्राजील में। डू यू नो, एक इंफॉर्मेशन दी है, अ सर्वे डन इन 2016 हैज फाउंड दैट अप्रोक्सीमेटली 5831 किलोमीटर ऑफ लैंड अंडर फॉरेस्ट इन ब्राजील हैड ऑलरेडी डिग्रेडेड इन दैट ईयर। तो 2016 में एक सर्वे किया गया था और उस सर्वे के अनुसार अप्रोक्सीमेटली मतलब तकरीबन 5831 स्क्वायर किलोमीटर का जो लैंड है, जमीन है अंडर फॉरेस्ट इन ब्राजील हैड ऑलरेडी डिग्रेडेड। तो ये क्या हो गया, डिग्रेड हो गया, इसका स्तर नीचे हो गया। इसका मतलब क्या, उधर वाइल्ड लाइफ इफेक्ट हुआ है, जानवरों का इफेक्ट हुआ है, पेड़ पौधों पर इफेक्ट हुआ है, फॉरेस्ट पर इफेक्ट हुआ है। ये 2016 में एक सर्वे किया गया था और ये जो एरिया जो है
छोटी नहीं है, बहुत बड़ी एरिया है, 5831 किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर। अब देखेंगे इंडिया वाइल्ड लाइफ। इंडिया इज ऑल्सो अ मेगा डाइवर्स कंट्री इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। अगर हम इंडिया को देखेंगे ब्राजील से कंपेयर करेंगे तो इंडिया भी क्या कम पीछे नहीं है, इंडिया भी क्या ये मेगा डाइवर्स कंट्री है। किसमें, किसके मुकाबले में, वाइल्ड लाइफ से कंपेयर करेंगे तो एक मेगा डाइवर्स कंट्री है इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। देर आर मेनी स्पेसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो इंडिया में भी बहुत अलग अलग विविध प्रकार के जानवर वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं। पहले देखेंगे एलिफेंट्स। एलिफेंट्स आर फाउंड इन हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट। तो एलिफेंट कहाँ पाए जाते हैं, हॉट जहाँ गर्मी होती है, और ह्यूमिड फॉरेस्ट में एलिफेंट्स क्या इंडिया में पाए जाते हैं। वन हॉर्न राइनोसरस जो गेंडा होता है, एक सिंह का गेंडा, वन हॉर्न राइनोसरस आर फाउंड इन स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड्स ऑफ आसाम। तो जो आसाम है, आसाम में ये जो एक सिंह वाला जो गेंडा होता है, वन हॉर्न राइनोसरस, ये पाए जाते हैं। और यहाँ की जमीन कैसे होती है, स्वैम्पी। स्वैम्पी मतलब दलदल, मार्शी, कीचड़ भरा हुआ ये होता है, जमीन होती है। तो उधर ये वन हॉर्न राइनोसरस पाए जाते हैं आसाम में। वाइल्ड एस एंड कैमल्स। तो वाइल्ड एस एंड कैमल्स आर फाउंड इन एरिड लैंड। एरिड मतलब जिधर पानी कम होता है, सूखा ज्यादा होता है। तो उधर अभी ये राजस्थान है, राजस्थान में क्या है, हम वाइल्ड एस जंगली गधा और कैमल ऊंट ये पाए जाते हैं इन एरिड एरिड लैंड्स। एरिड उसको कहते हैं जिधर पानी बहुत कम होता है, जिधर की जमीन क्या होती है, सलाइन होती है, खारापन ज्यादा होता है, उसको कहते हैं एरिड लैंड। उधर वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन कम होता है। स्नो लेपर्ड एंड यक्स। स्नो लेपर्ड और यक्स आर फाउंड इन द स्नो कैप्ड रीजंस ऑफ हिमालय। तो स्नो लेपर्ड भी पाए जाते हैं और यक्स। यक्स मतलब क्या, ये एक भैंस का जैसा मतलब दिखने जैसा होता है और उसके लंबे लंबे बाल होते हैं, उसको कहते हैं यक्स। तो स्नो लेपर्ड और यक्स ये पाए जाते हैं किधर, इन द स्नो कैप्ड रीजन ऑफ हिमालय। तो हिमालयाज में स्नो लेपर्ड और यक्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो ये देखो कितनी डाइवर्सिटी है इंडिया में। और इन पेनिनसुलर रीजन, पेनिनसुलर रीजन हमने देखा था थर्ड लेसन में, पेनिनसुलर रीजन में इंडियन बाइसन्स पाए जाते हैं, डियर, हिरन पाए जाते हैं, एंटीलोप्स, मंकीज, बंदर पाए जाते हैं, आर फाउंड इन द पेनिनसुलर रीजन। टाइगर एंड लायंस, ये बात नोट करने की है। देखो इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर बोथ टाइगर्स एंड लायंस आर फाउंड। तो इंडिया एक ही ऐसा देश है पूरे दुनिया में जिधर टाइगर भी पाए जाते हैं और लायंस भी पाए जाते हैं। टाइगर भी और लायंस भी दोनों पाए जाते हैं, वो इंडिया एक ही ऐसा देश है। तो दूसरे कौन से देश में टाइगर और लायंस दोनों एक साथ पाए नहीं जाते। रिवर्स एस्टुअरीज एंड कोस्ट एरियाज आर होम्स ऑफ मेनी टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड गैवियल्स। गैवियल्स किसको कहते हैं, घड़ियाल जो होती है, मगरमच्छ की प्रजाति का होता है, लेकिन उसका मुंह क्या होता है, लंबा होता है, उसका इमेज हम देखेंगे। तो रिवर्स में, नदियों में, एस्टुअरीज में जो छोटी छोटी नदियां उनको जो मिलती है, एंड कोस्टल एरिया समुद्र किनारे जो होते हैं, आर होम्स ऑफ मेनी टर्टल्स। तो वहां टर्टल्स पाए जाते हैं, क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ एंड गैवियल्स मतलब घड़ियाल भी पाए जाते हैं। ये गैवियल की इमेज है, इनको कहते हैं घड़ियाल, ये मगरमच्छ की प्रजाति है लेकिन इनका जो मुंह होता है ये लंबा होता है, इनको कहते हैं घड़ियाल। द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स आर द शेल्टर्स ऑफ वैरायटी ऑफ बर्ड्स लाइक पीकॉक्स। तो जो जंगल है और वेटलैंड है जिधर जमीन हमेशा कच्ची होती है, मॉइस्चर क्लाइमेट में मॉइस्चर होता है, तो ये शेल्टर है, ये सहारा है, उनका घर है किसके लिए, ऑफ वैरायटी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स लाइक पीकॉक, पीकॉक होते हैं, इंडियन बस्टर्ड, हम देखेंगे नीचे इमेज आएगा इंडियन बस्टर्ड किसको कहते हैं, किंग फिशर, किंग फिशर तो हम सबको जानते हैं, फेजेंट्स, डक्स, बदक, पैराकिट्स, क्रेन्स एंड पिजन्स। ऑल दिस स्पीशीज मेक इट अ लैंड ऑफ यूनिक हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। देखो कितने प्रजाति, अलग अलग प्रजाति के बर्ड भारत में, इंडिया में पाए जाते हैं। ये है, एक एक देखेंगे। देखो ये क्या है, इंडियन बस्टर्ड कहते हैं इसको, ये इमेज आप जो देख रहे हैं ये है इंडियन बस्टर्ड, ये फेजेंट्स है, ये पैराकीट है, और इसको इसको कहते हैं क्रेन्स, ये हमारे हमारे भाषा में इसको बगला भी कहते हैं, तो इसको कहते हैं क्रेन्स। मेनी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया में भी ये प्रॉब्लम पाया जा रहा है कि बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ है ये एक्सटिंक्ट पर है, मतलब क्या है, विलुप्त होने के कगार पर है इंडिया में। उसकी रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ पोचिंग। पोचिंग का मतलब होता है इनलीगल हंटिंग, जो हंटिंग शिकार वगैरह करते हैं उसको कहते हैं पोचिंग, इनलीगल हंटिंग की वजह से। पॉल्यूशन, क्लाइमेट, क्लाइमेटिक कंडीशन, पॉल्यूशन
पोल्यूशन हो रहा है। जैसा हमारे अभी हम देखते हैं हमारे शहर में, पहले छोटी छोटी जो स्पैरो होती है, चिमनी कहते हैं उसको, वो बहुत पाई जाती थी, लेकिन ज्यादातर अभी मोबाइल टावर्स बढ़ने की वजह से वो बहुत कम दिखाई देते हैं। दिखाई देती है तो खेतों में, जंगलों में दिखाई देती है, शहर में बहुत कम पाए जाते, तो वाइल्ड लाइफ पर इफेक्ट करता है, जानवरों पर इफेक्ट करता है। एंड रैपिडली अकरिंग डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल की कटाई हो रही है ज्यादातर उसकी लकड़ी की वजह से, नहीं है तो फिर पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से उधर लोग रहने के लिए सिटी डेवलप हो रही है तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है एग्जाम्पल। और ये एग्जाम्पल एक है चीतास, चीतास क्या हो रहा है, ये विलुप्त के कगार पर है, इंडिया में चीतास क्या है, विलुप्त के कगार पर है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप नंबर ऑफ नेशनल पार्क। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है इसको रोकने के लिए, जो एक्सटिंक्ट एक्सटिंक्ट हो रहे जानवर, वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्ट हो रहा है, इसको रोकने के लिए, रोकथाम करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया है, नेशनल पार्क्स को एस्टेब्लिश किया है। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को एस्टेब्लिश किया है, बर्ड सेंचुरीज है, एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट इन इंडिया। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स भी तैयार किए हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स का मतलब क्या होता है कि जो जानवर वगैरह होते हैं उनके मुताबिक कंडीशन बनाया जाता है उधर, उनके मुताबिक उधर कंडीशन बनाया जाता है, उधर रिजर्व्स बनाए जाते हैं, पेड़ पौधे वगैरह लगा दिए जाते हैं कि ताकि वो जानवर क्या रह सके, जिंदा उधर रह सके, उनको कुछ प्रॉब्लम ना आए, इसको कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। और ये किसके लिए किया जाता है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट इन इंडिया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये कदम उठाए हैं। लेकिन हम देश के नागरिक हैं, देखो एक लाइफ साइकिल होता है, लाइफ साइकिल में बहुत सारे जीव जंतु भी, उनका एक मेजर किरदार होता है, हमने साइंस में पढ़ा था, मेजर किरदार होता है। तो एवरीवन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ साइकिल, तो हर एक लोग इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी क्या करें, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, और आसपास के हमारे जो जानवर जीव जंतु वगैरह हैं उनकी हम क्या करें, सुरक्षा करें, नदियों की सुरक्षा करें, तालाबों की सुरक्षा करें, उनको पोल्यूट होने से बचाए। इससे क्या होगा, वाइल्ड लाइफ भी बचेगा और हम भी बचेंगे, इस पर हमारा ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा।